दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 2020 के मैथ के VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2020 एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग एग्जाम नजदीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए तो पहला ऑप्शन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आप उसको आंसर बोलने का ट्राई कीजिएगा, आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समय ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू में देखिए, इफ़ ए फंक्शन ए बी सी बी 1 2 3 एफ ए 1 b 2 c 2 देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा टाइप का ये फंक्शन होगा, 1 1 on 2 होगा या many 1 on 2 होगा या many 1 on 2 होगा या 1 1 on 2 होगा। तो ए का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, many 1 in 2। तो थ्री में देखिए फंक्शन है ए टेंड्स टू बी विल बी इन टू द फंक्शन इन टू फंक्शन इफ ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना। तो दो का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, एफ फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो चार में देखिए दिया गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, फोर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 16। तो मैं आपसे बता दूँ, अगर आपको 2019 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप चाहे वहाँ सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 2। तो फाइव का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा C 2। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ़ 1 by a + 1 by b + 1 by c इज इक्वल टू 0, देन आपको ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इस डिटर्मिनेंट का आपको आंसर बताइए क्या होगा। सिक्स का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन होगा, बी में ए बी सी जो है इसका ऑप्शन वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ अनइक्वल एलिमेंट कैन बी मेड बाय हैविंग द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर एज एलिमेंट्स। तो सेवन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 60% 50% कर दिया गया है, तो इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एट में कहता है लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 2, देन एडजॉइंट ए का मॉड क्या हो जाएगा। तो एट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, ए का मॉड। ठीक है, चलिए नाइन क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 3, 4 × 3 and 2 × 4 रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेंड। तो नाइन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, सी बी। ठीक है, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको जिस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप पे एक नया ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू कर दूंगा। वैसे भी ये दो ऑब्जेक्टिव जो है पर डे इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। चलिए टेन नंबर क्वेश्चन में देखिए, टेन नंबर क्वेश्चन में जो है करा, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 कैन बी मेड विथ 0 and 1। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, 512। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, इफ y इज इक्वल टू log साइन x स्क्वायर डिवाइड बाई dx एट x इज इक्वल टू √π/2 इक्वल्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है इफ y इज इक्वल टू log साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई dx एट x इज इक्वल टू √π/2 इक्वल्स। तो ये किसके इक्वल होगा, तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा √π, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन √3sin(x + cos(x) इज व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। तो 12th का जो सही ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, ठीक है, π/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया गया है लेट y इज इक्वल टू x² × e^-x, देन द इंटरवल इन विच y इंक्रीजेड विथ रिस्पेक्ट टू x इज। तो 13th का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 0 से 2 ओपन इंटरवल। ठीक है,
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का है, आप जो है सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, जो आप जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन को डायरेक्ट पिकअप करके दे दिया गया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 करना है, रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर कॉट x का पूछ रहा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट फार्मूला। आप एनसीईआरटी का जितना फार्मूला है सारा कुछ रट लीजिए, उसको जवान पर रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी बिहार बोर्ड में होता है कि कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा फार्मूला, तो आप जो है अगर आपको याद नहीं था आप एक नंबर मिस करके चले आइएगा, तो एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी पाई बाई 4 रूट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 15 का था, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, देखिए आप सॉल्व कर लीजिए पहले, तो उसके बाद जो है मिला लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर सॉल्व कीजिएगा अगर आपका सही होता आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आप जो है अच्छा कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 5, और जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिफरेंट डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करना, तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी 2 प्लस लॉग 15 बाई 7 बेस ई। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इफ इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी पाई लॉग 2। 18 में देखिए यहाँ दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू 0, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी वाई स्क्वायर टू 2x माइनस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है 1 बाई 10 क्यूब एक्स डी एक्स है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 19 का सही ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा डी। अब अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और नया नया वीडियो तुरंत तुरंत आपको मिलते रहेगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी, अगर सी इज ए पॉजिटिव, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।